हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका यूटेक ब्लॉग के आज के वीडियो में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि पूरी हैकिंग टेक्निक्स की सीरीज हमारी चल रही है। इससे पहले भी हमारी कई वीडियोस आ चुके हैं जिसमें मैंने आप सबको फिशिंग के बारे में बताया, ब्रूट एनफोर्स अटैक के बारे में बताया और मालवेयर के बारे में बताया, बेट एंड स्विच के बारे में बताया। इसके साथ साथ हमने आपको कुकी थेफ्ट के बारे में बताया। ऐसी बहुत सारे टेक्निक्स के बारे में हमने उसमें पढ़ा। नाउ आज हम बात करने वाले हैं हैकिंग के कुछ और टेक्निक्स की। उससे पहले बस इतना कहूंगा कि जो लोग नए आए हैं वो प्लीज चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल आइकन उसे कर लीजिएगा हिट, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। और अब बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ, जहां आज हम करने वाले हैं की लॉगिंग और वाटरिंग होल। क्या वाटरिंग होल? जी हाँ, आज कुछ पानी से रिलेटेड बात करेंगे। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार हम कौन सा करोड़पति है, हमारे पास कौन से लाखों करोड़ रुपए, क्या कर लेगा कोई बंदा हैक करके। तो भाई मैं बता दूं, ऐसी गलती मत करना। जितने भी लोग सोशल मीडिया इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आप सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कहीं ना कहीं फंसते हो। और आपकी आइडेंटिटी, सिर्फ पैसा ही सब जरूरी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हैकर बहुत बड़े बड़े कांड कर सकता है। तो भाई वीडियो को पूरा देखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो प्लीज इस वीडियो के अंत होने के बाद प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। और हमारी अगली वीडियो जो आने वाली है वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी प्लीज देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं नंबर वन की लॉगिंग के बारे में। क्या है ये की लॉगिंग? नाम से शायद आप लोग थोड़ा सा समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मैं फिर भी बता देता हूं। बहुत सारे लोग ना बड़े लंबे लंबे पासवर्ड डालते हैं, अपना नाम, अपना सरनेम, अपने पड़ोसी का नाम, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम और साथ में लगाते हैं @123, ऐसे ऐसे नाम भी डालते हैं। कुछ लोग डिक्शनरी के कुछ लंबे लंबे चौड़े चौड़े अक्षर वर्ड इस्तेमाल करके पासवर्ड बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हैक हो जाते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि उसमें कोई पैटर्न नहीं है, डिफरेंट पैटर्न नहीं है। आप एक सीरीज में नंबर्स लगा रहे हो, सीरीज में पासवर्ड बना रहे हो। की लॉगिंग नाम से समझोगे, हैकर क्या करता है कि आपके सिस्टम या आपके इंटरनेट या आपके सर्वर या आपके नेटवर्क या आपके डिवाइस में एक ऐसा प्रोग्राम डाल देता है जो क्या करेगा कि आपके जितने भी आप पासवर्ड अलग अलग जगहों पर यूज करते हो ना, उन सभी के जो पैटर्न है उनको समझ लेगा, आपके जितने भी कीज है उनको समझ लेगा। एक ही बार में कॉम्बिनेशन नहीं समझेगा, ध्यान रखना, एक ही बार में पासवर्ड से पता नहीं चलेगा। लेकिन एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं डाल रहा हूं RAHUL, मैंने राहुल डाला, तो वो ये सारे लेटर्स को समझ जाएगा कि हाँ, ये इन लेटर्स का इस्तेमाल करके कोई ना कोई पासवर्ड बना रहा है। अब हैकर क्या करेगा, उसने आपकी की लॉगिंग कर ली, की लॉगर लगा दिया, इसको बेसिकली हम की लॉगर बोलते हैं, उसने की लॉगर लगा दिया। अब ऐसे में उसको आपकी कीज पता चल गई कि आपने किन किन कीज का इस्तेमाल किया अपने पासवर्ड के लिए। अब वो उन कीज का इस्तेमाल करके डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएगा और ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएगा और ट्राई करेगा आपके पासवर्ड को क्रैक करने के लिए। और एक कॉम्बिनेशन कोई तो ऐसा होगा ही जो आपके पासवर्ड को क्रैक कर देगा। और यहां ध्यान रखना, वो कॉपी पेन का इस्तेमाल करके कॉम्बिनेशंस नहीं बनाएगा, आपकी तरह नहीं। बताया था ना ब्रूट फोर्स अटैक कैसे होता है, तो उसी तरीके से कुछ प्रोग्राम इस्तेमाल करके वो क्या करेगा कि आपके जो कीज है उनका इस्तेमाल करके अलग अलग कॉम्बिनेशन कुछ सेकंड में बना लेगा, और कोई तो कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जो लग जाएगा और वहीं आपका जो सिस्टम है वो हैक होगा। तो भाई इस तरीके की दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। अब रही बात है कि बचाव कैसे करेंगे, तो बचाव का सिंपल सा तरीका, मैंने ब्रूट फोर्स अटैक में भी ये बात बोली थी और अभी भी यही कहूंगा कि भाई जो आप पासवर्ड बनाते हो ना, वो हमेशा कुछ डिफरेंट टाइप का बनाया करो। नाम हो गया, डिक्शनरी के वर्ड हो गए, ऐसे यूज मत किया करो। मैं आपको बता दूं, अभी डिक्शनरी अटैक के बारे में भी हम पढ़ेंगे, अभी आगे मैं आपको डिक्शनरी अटैक भी बताऊंगा अगली वीडियोज में कि किस तरीके से अटैक होते हैं। तो भाई ऐसे वर्ड यूज मत किया करो पासवर्ड के अंदर, कुछ डिफरेंट रखो, कॉम्बिनेशन बनाओ, अलग अलग कॉम्बिनेशन यूज करो, नंबर भी रखो, वर्ड कैपिटल भी रखो, स्मॉल भी रखो, स्पेशल लिखो, और कोशिश किया करो कि हर 30 से 45 दिन में अपने जो पासवर्ड उनको चेंज करते रहो, ताकि जो हैकर है वो आपके सिस्टम को अटैक ना कर पाए। जी हाँ, तो ये था आज का हमारा एक टेक्निक जो कि मैंने आपको बताया की लॉगिंग। आगे बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेक्निक के ऊपर, जिसका नाम है वॉटरिंग होल। ये क्या है वॉटरिंग होल? तो देखो, जनरली मैं आपको बताऊं, हैकिंग जो है ना एक शिकार होता है, मानो चाहे मत मानो, रियलिटी यही है कि हैकिंग एक शिकार है। और शिकार करने का हर जानवर का अपना अपना एक तरीका होता है ना। अब अगर हम जंगल में शिकार कर रहे हैं तो वहां मेथड अलग होगा, नदी में शिकार कर रहे हैं मतलब मछली पकड़ रहे हैं तो वहां मेथड अलग होगा, हवा में शिकार कर रहे हैं तो वहां मेथड अलग होगा। तो सेम अलग अलग तरीके से हैकिंग होती है। आज बात कर रहा हूं शेर के शिकार करने का एक तरीके पे। कौन सा तरीका? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा नेशनल ज्योग्राफी या कहीं पे भी कि शेर जो वो जानवरों के पीछे भागते हैं, है ना। आपने ऐसे शेर तो बहुत देखेंगे जो जानवरों के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है कि कुछ शेर थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं और वो भागते नहीं है, वो नदी किनारे बैठे रहते हैं। क्या? नदी किनारे बैठे रहते हैं और इंतजार करते हैं कि कब कोई जानवर नदी पे पानी पीने आए, क्योंकि उस शेर को पता होता है कि भाई जंगल के जानवर कितना भी खा ले, कितना भी घूम ले, एट द एंड पानी पीने तो आएंगे ना। तो एक शेर तो वो है जो जंगलों में उन शेरों के जानवरों के पीछे भाग रहा है, और एक शेर वो है जो नदी के किनारे बैठ के इंतजार कर रहा था कि भाई अब मेरा शिकार आने वाला है। और जैसे ही कोई शिकार वहां आया पानी पीने के लिए, और बस शेर ने उस पर छलांग मारी और पकड़ लिया।
हैकिंग की आज टेक्निक जो वाटरिंग होल अटैक बता रहा हूं ये भी कुछ हद तक ऐसी ही है। जी हाँ, यहां पे हैकर जो है वो है शेयर, हम जो है वो है उसके शिकार यानी यूजर। और अब बात करते हैं नदी की, उसे एक नदी ढूंढनी पड़ती है। तो नदी वो वेबसाइट्स है जिसपे यूजर बेस बहुत अच्छा है, ऐसी वेबसाइट जहां पे यूजर ऑलरेडी आ रहे हैं, नोन वेबसाइट है, यूजर्स का जो बेस है वहां पे बहुत अच्छा, तो वो उन साइट्स को नदी के तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और बस होता क्या है, वो उन वेबसाइट पे इंतजार कर रहे होते हैं, उन वेबसाइट में कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा प्रोग्राम डाल देते हैं और उस वेबसाइट पे बस इंतजार कर रहे होते हैं कब कोई यूजर आएगा, उस वेबसाइट पे कुछ परचेज करेगा या अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रेडी करेगा और बस मुझे वो यूजर आईडी और पासवर्ड मिल गया, पिन मिल गया, और उसके बाद उसकी धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस मेथड में हैकर क्या करता है कि कोई एक वेबसाइट वगैरह चुनते हैं जिसमें कि यूजर बेस अच्छा हो, वहां पे वो अपना एक छोटा सा प्रोग्राम उनकी मर्जी के खिलाफ वहां पे डाल देते हैं और उसके थ्रू, कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग अपनी खुद की वेबसाइट बना देते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, बिल्कुल लगेगा आपको प्रोफेशनल ओरिजिनल लेकिन होगा नहीं। और जैसे ही आपने वहां पे अपना डेटा वगैरह डाला, एंट्री करी, ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, बस आप फंस गए। हम लोग की थोड़ी सी एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग ज्यादातर जो पासवर्ड है ना वो हर जगहों पे सेम रखते हैं, तो ये भी हम लोग एक सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि आपने वहां पे यूजर आईडी पासवर्ड बनाया और वो वही पासवर्ड का इस्तेमाल आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इंटरनेट बैंकिंग में इस्तेमाल कर सकता है और शायद कहीं ना कहीं वो सेट हो भी जाता है। मैं आप सभी से भी कह रहा हूं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके तो कई सारे अकाउंट्स के पासवर्ड सेम होंगे, और बहुत सारे लोग तो ऐसे में जिनके पासवर्ड तो अपने नाम से, अपनी गर्लफ्रेंड के नाम से, अपने बॉयफ्रेंड के नाम से, या फिर अपने बच्चे के नाम से, या अपनी वाइफ के नाम से ही होंगे, राइट? देख लेना। तो भाई इस तरीके से मत रखो, ठीक है, प्यार आप करते हो, अच्छी बात है, बच्चे से, माँ बाप से, फैमिली से, गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, ठीक है, लेकिन पासवर्ड के मामले में थोड़ा सिक्योर रहो यार, बहुत जरूरी है। तो भाई ये थे आज के दो मेथड जो मैंने बताया, वाटरिंग होल मेथड और दूसरा मैंने आपको बताया की लॉगिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो लोग इस तरीके की प्रॉब्लम से फंसे पड़े ना यार, या जो आगे आने वाले टाइम में खुद को सिक्योर कर सकते हैं, तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप नए आए हो तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में होगा बेल आइकन उसे कर दीजिए हिट ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। और एक चीज और बोलूंगा, इससे पहले भी कई सारे हम लोग मेथड्स के बारे में बात कर चुके हैं, हैकिंग टेक्निक्स के बारे में, तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज वो वीडियो देख लीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है वो भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग यू टेक ब्लॉग।